नमस्कार दोस्तों, कैसन हो तुम लोग? आई नो कि तुम लोग एकदम फिट, फाइन, हैप्पी, सुरक्षित हो गए, क्योंकि तुम्हारे सचिन भाई को सब पता रहता है कि कौन कैसा है। तो ए गाइस, केम छोर रहे हो, सबके स्वागत बा उपसी यारी के चैनल पे। हाँ गाइस, आज तुम्हारा भाई सचिन है। अब मैं बताने वाला हूँ कि वो कब से आएगा थोड़ी देर में। ओके, तो फाइनली गाइस, आज के वीडियो में बहुत खतरनाक बातें होगा और बहुत खतरनाक चिटकट होंगे। आज खतरनाक बातें होने वाला है, तो बिना बकचोदी को वीडियो एंड तक देखना गाइस, बिना स्किप किए इस वीडियो को। वैसे वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं। तो गाइस, तुम देख ही सकते हो कि आज की वीडियो सिर्फ 4 मिनट की है। यार क्या करूँ, ये स्टोरेज साला कभी ख़त्म ही हो जाता है। इतना स्टोरेज भर चुका है ना फ़ोन में, मुझे लगता है कि रिसेट मारना पड़ेगा फ़ोन को। ठीक है, वो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद कर दूंगा। तो फाइनली गाइस, जैसे कि तुम जानते हो कि उपसी यारी आने वाला था प्री बोर्ड खत्म होने के बाद, बट वो अभी तक नहीं आया है। शायद आई थिंक, हाँ जो भी बोलो उसको, 1 तारीख से आएगा। न्यू ईयर के दिन से वो तुम्हारे लोगों से बात करेगा गाइस। एंड आज मेरा बहुत मूड ख़राब था, बहुत ज़्यादा, तो वीडियो रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी 4 मिनट का रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि इसमें मेरा ही भाला है, मेरा तुम लोगों का कुछ घाटा नहीं जाता, मेरा ही जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि व्यूज़ मेरे व्यूवर्स देखेंगे, इसलिए व्यूज़ आएगा, वॉच टाइम बढ़ेगा, तो कर देते हैं। फाइनली गाइस, तुम देख सकते हो कि मैं जंगल में आया हूँ, क्योंकि आज एक क्वेश्चन पूछ रही थी मैम SST में, जिसमें जंगल के बारे में था। तो मैंने सोचा चलो यार जंगल ही में चलते हैं। तो फाइनली गाइस, हाँ हाँ मैंने फाइनली क्यों कहा, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है। तुम्हें पता ही था कि उपसी का प्री बोर्ड हुआ, भगवान के दया से, उपसी के दया से और आप लोगों की दया से वो हर सब्जेक्ट में पास हो गया है। यस गाइस, जिसमें पास होने की उम्मीद नहीं थी उसमें भी 27 नंबरों से पास है तुम्हारा भाई उपसी। तो कॉन्ग्रेट्स तो बोलना चाहिए यार उसको, एंड उसको ट्रस्ट था खुद पे कि वो हर सब्जेक्ट में पास होगा, और ये ट्रस्ट होना भी चाहिए गाइस। एंड वो आज स्कूल नहीं जाने वाला था, बिकॉज उसके फ्रेंड जो था, बेस्ट फ्रेंड जिससे लड़ाई हुई थी, उसके लिए वो चला गया, क्योंकि वो भी कह रहा था कि आ जा यार, आज वो लास्ट दिन है फलाना ढिंकाना, तो आ जा। तो वो चला ही गया, बाकी 2-3-4 फ्रेंड ही गए थे और सब घर पे छुट्टियां मना रहे थे गाइस। एक्चुअली क्या है ना, हमने सोचा था कि 1 से 6 तक छुट्टियां मिलेगी, छोटा क्या था, मिलने वाली थी छुट्टियां और मिलेगी भी, बट गाइस दो वीक स्टूडेंट्स हैं ना जो फेल हैं किसी किसी सब्जेक्ट में, उनको तो आना ही है वो छुट्टियों में भी, बट जिनके कम है ना 33 से, तो तुम्हारा भाई तो सिर्फ पास है ना, 33 से तो कम है 2-3 सब्जेक्ट में, तो आई थिंक उसको भी जाना पड़ेगा। बट मैम ने बोला था कि एक बार मैं नाम सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, उन्हीं बच्चों को छुट्टी में भी आना पड़ेगा, तो अभी तक मैम ने सेंड नहीं किया है। वैसे गाइस एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, हाँ दिल से। पता नहीं गाइस, मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो उपसी का फ्रेंड था, हमारा भी फ्रेंड है TN, हाँ TN, जिनकी लड़ाई हुई थी उपसी की वजह से। एक्चुअली पता नहीं क्या हो गया है टी को यार, वो जब देखो स्टेटस पे ना, इंस्टाग्राम के स्टोरी बोल सकते हो, उस पर रोने धोने वाला इमेज लगाता रहता है। मतलब वो वीडियो कॉल करके भेजेगा कि देख मैं रो रहा हूँ, फोटो खींच के भेजेगा कि मैं रो रहा हूँ। भाई तू रो ले, पर तू मुझे क्यों बता रहा है? और एक तो गुस्सा आता है, कोई रीज़न भी नहीं बताता वो रोने का, बस रोता रहता है दिन भर इंस्टाग्राम पे आके। घर में रो ले, इंस्टाग्राम पे आके रोना ज़रूरी है? गुस्सा आता है इसी पर, उस पर क्यों रो रहा है? फिर उसने ना पोस्ट डाली थी स्टोरी में कि जो क्वेश्चन पूछना है आज पूछ लो, तो मैंने एक अजीब सा क्वेश्चन पूछ दिया था उससे, जो कि मैं बता नहीं सकता तुम लोगों को। एंड उसने बोला हाँ ठीक है, हो गए ना, अब यही सेम उसने रिप्लाई दिया गाइस। तो गाइस ये थंबनेल लिख रहे हो ना गाइस, हाँ ये वाला थंबनेल, अगर इस थंबनेल का चिटकोड तुम लोगों को चाहिए तो मैं उपसी यारी मोई सचिन फरीद फैन और गेम के डेवलपर बस ये चाहते हैं कि कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर दो जिससे मोटिवेट मिल जाए, तभी गेम के डेवलपर गेम के अंदर न्यू चेंजेस लाएंगे और न्यू चिटकोड लाएंगे गाइस। वैसे मैंने बोला नहीं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बट यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टेक केयर।